खेतों में आतंक मचा दिया, जहां 67 किसानों की फसल को चौपट कर दिया। वहीं किसानों को 2 लाख राहत प्रदान भी की गई। खेतों में अभी भी मूंग, तुरई आदि सब्जियां लगी हैं। साथ ही सुकवा धुकवा क्षेत्र के केमिकल के माध्यम से कई जगह छिड़काव भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बॉर्डर ग्वालियर रास्ते ग्राम चिनोर कार्रवाई की गई, उसमें ग्वालियर टीम का भी साथ रहा। झांसी में रात में टहरोली तहसील के 2 गांवों में बीती रात टिड्डी मारने ऑपरेशन चलाया गया। टिड्डी दल के संबंध में मुझे ये बात कहना है, 23 मई पे पहले टिड्डी दल आया था जो राजस्थान के रास्ते से, और 24 मई पे भी एक और दूसरा दल आया था, और 26 मई पे भी तीसरा एक और दल आया था। ठंड जहाँ पे मिलती है, थोड़ा ठंडी लहर जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे सेटल होने की संभावना ज़्यादा है। और किसानों से ये भी अनुरोध है कि अगर स्प्रिंकलर सिस्टम व्यवस्था करके, स्प्रिंकलर के माध्यम से ये केमिकल को चिचकार कर सकते हैं खेत में, टिड्डी दल की जो है बसाव होने की जो है जो प्रक्रिया, वो सारी चीज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। जैसा कि आप हम सभी अवगत हैं कि बुंदेलखंड एरिया में टिड्डी दल का आगमन हो चुका है, उसी क्रम में झांसी जिले भी विभिन्न तिथियों में टिड्डी दल का आगमन हुआ। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया गया है। जब भी आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ती है, कृषि के रक्षा के अधिकारी द्वारा बुलाया जाता है और फायर सर्विस पहुँच करके वहाँ केमिकल के माध्यम से उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है।